नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लाइफ ऑफ मॉम्स में। और आज ब्लॉग की शुरुआत बहुत लेट हो रही है, रात के बजने वाले हैं 8 और आज है 19th of October और आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 5 साल और सच में समय का पता ही नहीं चला ये 5 साल कैसे निकल गए। और तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पहना है सूट, तो मैं बैक कैमरे से अपना पूरा सूट दिखाती हूँ। और हस्बैंड हो रहे हैं रेडी अभी और प्रांशु को मैं अभी रेडी करूँगी और बस रेडी होकर हम लोग जाएंगे केक लेने। और ये है मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। और जब ये आया था तो मैंने इसे अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया था और जिसने मेरा व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा। और मैंने बोला था जब मैं इसको जोड़ूंगी और पहनूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैंने आज इसे पहना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सूट मुझ पर कैसा लग रहा है। और आज बहुत दिनों बाद मैंने अपनी हेयर की करी है स्ट्रेटनिंग, मेकअप मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। तो चलिए मैं करती हूँ प्रांशी को रेडी और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। देखो जरा, देखो मम्मा को, देखो जरा। तो ये देखिए प्रांशी भी रेडी हो गई है। तुम तो रेडी हो गए, मैं ले जाऊं उसको नीचे। हाँ। और इसके पापा भी रेडी हो चुके हैं, दोनों जा रहे हैं। और तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और ये है प्रांशी। प्रांशी हाय कर दो, हाय कर दो बेटा। आ गए केक की शॉप पे और हमने यहाँ से लिया था ब्लूबेरी केक और वो केक आपको घर जाके दिखेगा। और ये देखिए प्रांशी को, ये लड़की बिल्कुल एक जगह नहीं टिकती है और इधर से उधर भागे जा रही थी, बार बार शॉप में अंदर बार कर रही थी और मुझे भी उसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा था। केक लेने के बाद हम आ गए थे डोसा खाने के लिए क्योंकि मेरा मन हो रहा था डोसा खाने का। और ये प्रांशी और उसके पापा का चल रहा है फोटो सेशन। और मैं वेट कर रही हूँ डोसा खाने का क्योंकि यहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और यहाँ पे लोग वेटिंग पे रहते हैं डोसा खाने के लिए। तो फाइनली डोसा आ गया है और आ जाइए आप लोग भी डोसा खा लीजिए। और चलिए हम करते हैं अपने डोसे को एंजॉय। और प्रांशी को भी डोसा बहुत पसंद है और ये देखिए प्रांशी और उसके पापा ने तो डोसा खाना शुरू भी कर दिया है। तो चलिए मैं भी अपना डोसा खा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो डोसा खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। हम लोग घर पहुँच चुके हैं और केक लेके आ गए हैं। और प्रांशी की आदत सच में बहुत अच्छी है, वो बाहर से आते ही सबसे पहले अपने जूते चप्पल जो उसने पहने होते हैं उनको खोलती है। और ये देखिए उसने देख लिया अपने पापा को आते हुए और पापा के हाथ में देख लिया है उसने केक। और केक देख के प्रांशी
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और खुद ही केक खोलने लगी है। तो ये है ब्लूबेरी केक जो हम लोग लेके आए हैं। तो केक वगैरह काट लिया है और अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।